कैसा लग रहा है आपको?
दूसरे गान को मैं करूँगी, तो अब वैसे ही पहले की जैसा ही रहिए, ठीक है? ओके चलो, साफ कर दिया है, काफी क्लीन लग रहे हैं दोनों साइड ही। अभी नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। ये वॉश बोल में पानी है और इस पानी से आपके कानों को हमें साफ करोगी, ठीक है? इस जो वाटर का साउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाटर का साउंड मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है, जैसे बारिश हल्का हो जाने के बाद होता है ना, तो उस आवाज को मुझे बहुत रिलैक्सेशन होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए इस पानी से आपके कानों को वॉश करते हैं। मैं एज यूजुअल आपके राइट कान से स्टार्ट करूंगी, तो मेरे लेफ्ट से। ओके चलो, साफ हो गए हैं। अभी चलिए आपके राइट कान को भी कर लेते हैं। साफ हो गया दोनों कान, पानी से मैंने साफ कर दिया है। अभी जो है कि एक्सेस मॉइस्चर को सोक कराना है। इस क्लीन सैनिटाइज्ड और डिस्पोजेबल टॉवल से मैं आपके कानों में जमा हुआ एक्सेस मॉइस्चर को क्लियर करूंगी, ओके? तो यूजुअली मैं राइट कान से स्टार्ट करती हूँ, तो अभी भी वैसा ही करूँगी, ठीक है? ओके चलिए, राइट वाला कान तो मैंने साफ कर दिया, एक्सेस मॉइस्चर मैंने सोक कर लिया है इस टॉवल में, तो चलिए दूसरे कान को भी वैसे ही साफ कर लेते हैं। जमा हुआ एक्सेस
ज़रिए, ठीक है। तो इस बार आपका थोड़ा सा हेल्प मुझे चाहिए। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके कानों के अंदर जो ईयर कनाल है ना, वो बहुत सॉफ्ट और नाजुक है। तो आपको जो हेल्प मुझे करना है वो ये है कि जब मैं इस ईयरबड को आपके कानों के अंदर डालोगे तो आप भूल से भी अपना सर मत हिलाइएगा। आपको फिक्स्ड होके बैठे रहना है, थोड़ा सा भी हिलना मंजूर नहीं है, नहीं तो आपके कानों के अंदर ईयर कनाल में खरोंच आ सकता है, एंड विच मे लीड इन टू ब्लीडिंग एंड ईयर पेन। आप समझ गए? ओके, तो मैं स्टार्ट करूँ। सर मत हिलाइएगा बोल से भी नहीं। ओके, चलो मैं राइट कान से ही स्टार्ट करती हूँ एज यूजुअल। चलिए, सही लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, इस कान का तो मैंने कर लिया, अभी दूसरे कान का भी कर लेते हैं, ठीक है। कानों के अंदर काफी वैक्स जमा हुआ है, ये वैक्स अच्छा नहीं होता है। कभी कभी टेम्पररी ब्लॉकेज कर देते हैं कानों में और आप सुनने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको बारी बारी में क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप घर में तो कर सकते हैं, बट प्रोफेशनली क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। यस यस, दैट इज करेक्ट। चलिए, हो गया। इस तरफ का भी मैंने कर दिया है। योर बोथ ईयर्स आर लुकिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ साइड से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी जो लास्ट स्टेज बचा है वो है ईयर मसाजिंग। ओके, तो उसका सामान लेकर मैं अभी तुरंत आपके पास आती हूँ। अभी मैं आपके कानों के मसाज करने वाली हूँ, और मसाजिंग के लिए जो मैंने क्रीम चूज़ किया है वो कोकोनट एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। वो बहुत ही अच्छा एक मसाजिंग क्रीम है जो आपको बहुत रिलैक्सेशन देगा। ये देखिए, ये क्रीम है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है। यस, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। ये एक एक्सट्रैक्ट, कोकोनट एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ क्रीम है जो मैं आपके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ आज। ओके, तो मैं अच्छे हल्का सा क्रीम मैं अपने हाथों में लेकर आपको दिखाती हूँ ये कैसे मेल्ट हो जाता है। देखिए, इसको मैंने अपने हाथों में लगाया, ऐसे मैं रब कर रही हूँ। देखिए, मेरे हाथों में कोई क्रीम नहीं है, मैंने थोड़ा सा क्रीम लिया था। अभी वन बाय वन मैं आपके कानों में मसाज करूँगी। पहले मैं राइट ईयर को करूँगी, उसके बाद आपको लेफ्ट ईयर में कर दूँगी, ठीक है, ताकि आपको डबल रिलैक्सेशन और भरपूर मज़ा मिले। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने अपने हाथों में क्रीम लगा लिया है और इसको मैं ऐसे रब कर रही हूँ। कानों के ऊपर इसको अप्लाई करूंगे। ओके, चलिए अभी दूसरे कान को भी कर लेते हैं।
बची हुई चाय पी सकते हैं, और उसके बाद आप अपर फ्लोर में जाके आपका मेकअप भी कर सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर चूजिंग अस.